हेलो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल हमने जो किया था रिएक्शन, वो था एमसी स्टैन का हाथवर्ती पे, यू नो ऑडियो का रिएक्शन जो स्पॉटिफाई से हमने सुना था। तो आज हमने उसी गाने पे रिएक्ट करना है, लेकिन उसकी ऑफिशियल वीडियो आ चुकी है। वो आई थिंक कल शाम को मेरे टाइम पे थोड़ा लेट हो गया था, तो इसीलिए मैंने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आज हम रिएक्शन करेंगे। और सुबह सुबह जब आपका टाइम होगा इंडिया में, तो हमने उस रिएक्शन को अपलोड कर देना है। तो मैंने अभी अभी देखा कि डिस्क्रिप्शन में जो ऑफिशियल वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में हाथवर्ती के लिरिक्स दिए हुए हैं, तो उसको भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। आई एम रियली एक्साइटेड टू लिसन टू दिस वन, लेट्स बिगिन। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और अभी आपने जो प्यार दिया है कल वाली वीडियो पे, थैंक यू सो मच। उतना ही प्यार आप मेरी इस वीडियो को भी देना जरूर। और आपने मेरे 10K पूरे करा दिए हैं सब्सक्राइबर्स, दैट इज अमेजिंग। आप सबको बहुत प्यार और बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। तो इस गाने को स्टार्ट करते हैं और फिर इस पे बात करेंगे बाद में। सुजा, सो उन्होंने डायरेक्ट अच्छा किया। ऑफ कोर्स एक क्लब की वाइब बनाई हुई है और इट इज अमेजिंग। जो ये वाइब है बहुत अच्छी है एमसी स्टैन की, मुझे अच्छी लगी। और उन्होंने डिस्क्रिप्शन में ये कहा है कि अभी बहुत देर बाद, लाइक 10 महीने बाद मेरा कोई गाना आ रहा है। और आई नो के मतलब फुल कंटाल आया हुआ है इस टाइम, लेकिन उन्होंने कहा है कि ट्रैक्स आर ऑन द वे, तो बहुत सारे ट्रैक्स अभी आएंगे जो आर ऑन द वे। तो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ये बात कही है, स्टैन फैमिली हक से लव यू भाई लोग, और बहुत प्यार सबको। कट्टर फैन, पहले की पब्लिक अभी की पब्लिक, सबको सलाम भाई। तो जो पहले पब्लिक थी और जो मतलब अभी जो मतलब जीत के निकले थे बिग बॉस में से, उसकी एक फैमिली अलग बन गई उनकी, और भी लोग उनको प्यार करने लग गए हैं। तो एमसी स्टैन की फैमिली लाइक 8 मिलियन पहुंच चुकी है ऑलरेडी, और अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। और एमसी स्टैन को और प्यार दो। ये जो गाना नहीं सुना आपने तो जाके जरूर सुनना, इसकी वीडियो अच्छी बनाई है इन्होंने, मुझे अच्छा लगा ये।
और बड़ी पॉजिटिव सी वाइब है इस गाने की। ऑफ कोर्स एमसी स्टैन स्टाइल है लेकिन बड़ा डिफरेंट सा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके लिरिक्स भी साथ साथ में देख रही थी और मुझे समझ आ रहे हैं, ऑफ कोर्स एमसी स्टैन कह रहे हैं कि मेरे गानों पे हाथ जरूर खड़ा करो लेकिन अगर आपने नहीं किया तो मार पड़ती, तो अच्छा है ये। तो जब मैं गाना गाऊं तो हाथ अपना खड़ा करो नहीं तो आपको मार पड़ेगी। और तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको, उसकी नई गलती, सिर्फ रिलेट वो करती, पी टाउन बोले तो येड़े लोग की भर्ती, और मैं गर्दिश में भर्ती, आवाज थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी, थोड़ी सर्दी हो गई है, थोड़ा जुकाम हो गया है, तो इसीलिए आवाज है जो वो थोड़ी सी अलग आ रही होगी, पी टाउन से बी टाउन तक अपनी चलती। तो पी टाउन से लेके बॉलीवुड तक, यू नो पी टाउन मतलब जहां से वो आए हैं पुणे से, और बी टाउन बॉलीवुड है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तक अपली चलती। तो इट इज अमेजिंग एमसी स्टैन की जो अभी इतनी ज्यादा यू नो सक्सेस मिला है उनको, और इतना ज्यादा उनका जो शोज वगैरह चले हैं सब तरफ, इट इज अमेजिंग। तो इसमें ये जो वर्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता। तो जब तुम चलते हो गर्दी में तो तुम तो दिखते नहीं हो, जब मैं गर्दी में चलता हूं तो मैं दिखता हूं। मतलब वैसे गर्दी का जो मतलब होता है वो होता है कि छुप छुप के चलना, आई थिंक सो, आप मुझे करेक्ट कर देना। आई थिंक गर्दी का मतलब यही होता है, गर्दी हम कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी चलना, छुप छुप के चलना ऐसे करके। तो तू 10 times सोचेगा ऐसा क्यों लिखता, क्योंकि मैं सिक था, आई सिकनेस बना मेरा डोपनेस, मेरा जो सिकनेस है, मेरा जो इतना पैशन है, मेरा जो अंदर से यू नो ड्रूलिंग पैशन है, वो मेरी डोपनेस बन गया है, वो मुझे मतलब एक तरह की यू नो हाइप देता है हर वक्त। तो फिर से रेपिटेशन आ जाता है और उसमें फिर आगे जो लाइन्स है, मैं घुसता जब क्लब में बस्ती की पब्लिक आई ली, जब मैं क्लब में जाता हूँ तो सारी पब्लिक आ जाती है, जो मतलब मेरे साथ वाली पब्लिक है, जो मुझे पसंद करते हैं वो सारी आ जाती है, मतलब कंफर्म है राड़े, है ना। उसके बाद वो जो लाइन है ना जिसमें बोला है माँ बाप को बोल रहे हाँ इन लोग ने मारे, जो गाना है एमसी स्टैन का इन लोग ने मारे, वो वाला गाना भी इसमें आया है, मतलब उसका मेंशन भी आया है ना। आई डोंट थिंक ही विल एवर फॉरगेट दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस दैट ही वेंट थ्रू, इतना यू नो जो था, तो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू इंक्लूड इन दिस एज वेल। जो आगे लाइन्स है जो मुझे समझ आती है ना वो है, ये मेरे को लगते बेचारे, मेरी गलती क्या इन लोग की नंबर्स नहीं आ रहे। तो ये वाली लाइन भी काफी अच्छी लाइन है, बड़ी यू नो चुभती हुई लाइन है जो किसी को चुभ जाएगी, मेरे जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, इन लोग के नहीं आ रहे, तो मतलब मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें जब मेरे नंबर्स आ रहे हैं, तो इट्स ग्रेट। तो जब नंबर्स की बात करते हैं ना, तो 3.79 million व्यूज इस गाने के हो चुके हैं, 16 hours हुए हैं जब मैं रिएक्शन कर रही हूं अभी इस गाने को। पहले 4 घंटों में एमसी स्टैन की ये जो वीडियो है इसके व्यूज लाइक 1 million पार कर गए थे ऑलरेडी, एंड मतलब लोग इतना प्यार करते हैं एमसी स्टैन को और इतना पसंद करते हैं, तो नंबर 1 पे चल रहा है ये वाला गाना अभी इस टाइम, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 16 hours में 3.79 million इज अमेजिंग, क्या बात है। इस रिएक्शन को मैंने एडिट करके अभी डाल देना है थोड़ी देर में, जब तक आप उठोगे आप देखोगे इस रिएक्शन को, तो प्यार देना प्लीज जरूर। तो आगे वही रेपिटेशन है, मेरे गानों पे हाथ वरती, अगर नहीं किया यहाँ पे तो मार पड़ती। मुझे अच्छा लगा ये वाला गाना, आपको भी अच्छा लगा ऑफकोर्स, इसीलिए हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी जो ऑडियो का रिएक्शन था उसमें, वो बहुत छोटी सी बनाई थी, इसमें जो ये डिस्क्रिप्शन में इसके लिरिक्स हैं उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा है, और मैंने सारे लिरिक्स एक्चुअली पढ़े हैं लेकिन जो जो मुझे खास यू नो लगे वो मैंने चुन के लाइक उस पे बात की है। लेकिन इट इज अमेजिंग सॉन्ग, इसके लिरिक्स अच्छे हैं और ये गाने का जो म्यूजिक है ना, इट टेक्स इट ऑल फॉर मी। इन्होंने जो म्यूजिक दिया ना कश्मीर ने, बहुत अच्छा दिया है, फ्लूट वाला म्यूजिक, इट इज अमेजिंग। तो मुझे अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो इस वीडियो पे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हमने और भी बहुत सारे गाने करने हैं एमसी स्टैन के, और ट्रैक्स आएंगे तो उनको भी कवर करेंगे, हर ट्रैक कवर करते हैं हम एमसी स्टैन का। ऑफकोर्स जो आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स हो गए हो, मेरी फैमिली बन गए हो, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे 10K यू नो पहुंचा दिया 10K पे, इट इज अ माइलस्टोन फॉर मी। इतना धीरे धीरे चल के भी हम पहुंच गए हैं, आगे हम अपनी फैमिली को और बढ़ाएंगे ऑफकोर्स, और भी जाने जुड़े तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और इस बात पे एक लाइव बनता है, हमने कहा था कि जब 10K हो जाएगा तो हम एक लाइव जरूर करेंगे, और हो सकता है हम कल ही सुबह सुबह लाइव करें मेरे टाइम
पे और आपकी रात होगी और आपका थैंक यू करेंगे ऑफकोर्स। तो बहुत खुशी होती है जब आप इतना प्यार देते हो, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो, मुझे मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। उतनी देर आप अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने मम डैड का बहुत ध्यान रखो। अगर आपने ये गाना नहीं सुना ऑडियो या वीडियो, आप जरूर सुनना। वीडियो के साथ सुनोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा और डिस्क्रिप्शन में इसके लिरिक्स तो हैं ही, आपको अच्छा लगेगा। तो हाथ वर्ती हैज बीन अमेजिंग, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है और इसको और प्यार दो।